अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 3 में जनाब हम उर्दू में सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं बुलंद फानियों खुश कर बुलंद कानियों खुशकत। हम इससे पहले भी कर चुके हैं और अब हम आज कुछ नई लाइन्स की रीडिंग करेंगे और उसी की राइटिंग करेंगे और उसको समझेंगे भी कि हम कैसे लिख रहे हैं, उसके हिज्जे कैसे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसकी हमने काफी क्लासेस अटेंड कर ली है बुलंद फानी की। इसके बाद न्यू क्लास में या अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको किसी और नई चीज सिखाऊंगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आपको मजीद नीड है, मजीद जरूरत है राइटिंग की और रीडिंग की, बुलंद फानी आपको चाहिए, तो मैं आगे जाके कुछ टाइम के बाद और कुछ नई लाइन्स या नई रीडिंग आपको सिखाऊंगी, मतलब और कुछ नई लाइन्स। लेकिन इसके बाद आज मैं बस इसकी लास्ट क्लास करूंगी रीडिंग की। लेकिन मैं आपसे पहले ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल आखिरी क्लास है, एंड है, कोई भी चीज एंड नहीं होती है, हम उसको बाद में दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, हम और कुछ सीख सकते हैं और कोई नई लाइन हम आपको सिखाएंगे और कुछ नई किताब से या कोई स्टोरी बता देंगे आपको यहाँ पे, मतलब किसी भी चीज का ही एंड नहीं समझे। लेकिन बारह बुलंद फानी का जो हम कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहे हैं ना, वो मैं इसका आज यहाँ पर तो एंड है। इसके बाद हम नई चीज सीखेंगे, कुछ नई चीजें उर्दू में सीखेंगे और फिर हमें जरूरत पता चलेगी कि आपको और जरूरत है इसकी सीखने की, रीडिंग की और राइटिंग की, तो फिर हम आपको सिखाएंगे। ऐसी बात है कि हमने यहाँ कर तो हम आपको नहीं सिखा सकते, नहीं, हम यहाँ है ही आपकी, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, तो हम आपको जरूर सिखाएंगे, ठीक है। चलिए आइए पहली लाइन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। फेरे पर अली फराज दे साकिन, क्या बनाइए, फराज। फेरे अली फराज दे साकिन, फराज। फराज हेरे हर, फराज हर रे रोज दे साकिन, रोज। फराज हर रोज सिंधे सब खाफ साकिन, सबक। फराज हर रोज सबक, ये अलिफ याद आ साकिन, याद। काफ़रे कट से अलिफ्ता, कटता है बढ़िए है। फराज हर रोज सबक याद करता है। अब इसको एक दफा हम लिख लेते हैं, साथ साथ ही लिख लेते हैं, ताकि ये एक ही दफा हम इसको पढ़ते जाएं और फिर एंड में हम एक साथ पढ़ लेंगे। फराज, अच्छा अलीफ जो है इसके साथ बहुत ज्यादा टच हो गया, तो इतना भी टच ना हो कि उसके साथ ही ज्वाइन हो, तो हम उसको थोड़ा इतना रखें कि ये रो और अली से समझ में आ जाए आराम से। फिर फिंगर डिस्टेंस देंगे और फिंगर डिस्टेंस के बाद लिखेंगे हर। फिर फिंगर डिस्टेंस रे वो जैसा कि फराज हर रोज सी देखा सबक फिर याद करता है बढ़िए है। फराज हर रोज सबक याद करता है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ये है ये काफ सिंथेसिस का तरीका, ये किसका रेवा रो रो निमरिस्मान लाम साकिन रुमाल, ये किसका रुमाल है बढ़िए है, ये किसका रुमाल है। अब हम ये लिखेंगे यहाँ पर, ये है ये किस काफ सन किस काफ अलिफ का, ये किसका रेवा रो निमरिस्मा लाम साकिन रुमाल। लेकिन निमरिस्मा जो लाम जो लाइन से लगता है, तो तीन का ये लाइन से लगता है और ये बोलिए लाइन पे जाएगा, देखिए लाइन नहीं है लेकिन आप देखिए तो बिल्कुल एक्सलेट लाइन पे जा रहे हैं। ये किसका रुमाल है, ये किसका रुमाल है। अब तुलसी के साथ भी बोले, अब सिंह सो रेजिंगज सूरज दरवा दो जैसा कि धूप रे है अलिख रहा है बढ़िए है, सूरज डूब रहा है। अब लिखे देखिए सीन लाइन से थोड़ा तो ऊपर, सीन वास्तु रेजिमरज सूरज, इसके बाद गैप लगाइए और थोड़ा सा फिंगर डिस्टेंस के बाद लिखे डाल वाव डू जैसा कि डूब रहा रे अलिफ रहा, फिंगर डिस्टेंस है बढ़िए है, सूरज डूब रहा है। फराज हर रोज सबक याद करता है, ये किसका रुमाल है, सूरज डूब रहा है। तो हमने ये आज की क्लास कंप्लीट की है, जिसमें हमने रीडिंग और राइटिंग कंप्लीट की, अपनी रीडिंग और राइटिंग सीखी है। और आपने क्या करना है, आपने यही काम होमवर्क पे करना है और बहुत अच्छे से घर पे करना है। इसी तरह आप एक पेज लीजिए और राइटिंग का ख्याल रखें कि हमने किस तरह राइटिंग करनी है, और उसको बार बार अपने हिज्जों से भी पढ़ना है।
ताकि आपको रीडिंग और राइटिंग अच्छे से समझ में आ जाए और आपको करनी आ जाए। तो फिर आज की क्लास का एंड करती हूं मैं, लेकिन जाने से पहले आपने क्या याद रखना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और डी महमूदियन अकेडमी को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।